हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। कोविड तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ठीक है, बिहार भर्ती जो शिक्षक भर्ती हो रही है या फिर वो जो आने वाली है, उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर जुड़े। आज हम लोग बात करने वाले हैं 70,000 पदों के बारे में। एक जिलेवार लिस्ट आ चुकी है जो कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज टू का है। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती फेज टू स्टार्ट होने वाला है और वो बहुत ही जल्द आप सभी के सामने नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसमें कई सारे पद को रखा गया है, जैसे आप सभी को बता दें, जैसे 6 से 8 तक बीएड को भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा और डीएलएड को भी सम्मिलित किया जाएगा। अब उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो 9 से 10 तक आएगा पद और लगभग 11 से 12 वाले पद आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पद आएंगे, लगभग 70,000 पद आने वाले हैं। तो उन सभी के लिए भर्ती प्रक्रिया के नोटिस जारी होने वाली है। जारी नोटिस होने से पहले आप सभी को बता दें कि जिलेवार एक लिस्ट जारी हुआ है कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप सभी के सामने एक लिस्ट आया हुआ है कि जो विद्यालय अध्यापक 6 से 8 तक के हैं, यानी 6 से 8 तक के सभी पद आए हुए हैं, किस ज़िले में कौन से पद खाली हैं, कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अररिया में अगर हम बात करें 695 पद खाली हुआ है, अरवल में 229 पद खाली है, औरंगाबाद में 1123 पद खाली हैं, बांका में 935 पद खाली हैं, बेगूसराय में 824 पद खाली हैं, भागलपुर में 977 पद हैं, भोजपुर में 893 पद हैं, बक्सर में 516 पद हैं, दरभंगा में 995 पद हैं, पूर्वी चंपारण में 1464 पद हैं, गया में 1552 पद हैं, गोपालगंज में 572 पद हैं, जमुई में 932 पद हैं, जहानाबाद में 388 पद हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बात कर ले तो कैमूर की अगर बात कर ले, कैमूर में 652 पद हैं, कटिहार में 794 पद हैं। ठीक है, और खगड़िया में 566 पद हैं, किशनगंज में 655 पद हैं, लखीसराय में 332 पद हैं, मधेपुरा में 809 पद हैं, मधुबनी में 1111 पद हैं, मुंगेर में 518 पद हैं, मुजफ्फरपुर में 1534 पद हैं, नालंदा में 914 पद हैं, नवादा में 768 पद हैं, पटना में 1269 पद हैं, पूर्णिया में 931 पद हैं, और रोहतास की अगर बात कर ले तो रोहतास में 884 पद हैं, सहरसा में 564 पद हैं, समस्तीपुर में 1094 हैं, सारण में 1166 हैं, शेखपुरा में 259 हैं, शिवहर में 206 हैं, सीतामढ़ी में 986 है, सिवान में 956 हैं, सुपौल में 887 हैं, वैशाली में 1064 हैं, और पश्चिमी चंपारण में है 998। तो कुल देखा जाए, कुल पदों की संख्या जो है वो 31,982 पद कुल हैं। ठीक है भैया, कितने हैं, 31,982 कुल पद हैं, 6 से लगा करके 8 तक के लोगों के लिए। तो इसमें सभी को जो है भर्ती का मौका मिलेगा, जो भी बीएड करे हुए हैं और जो भी डीएलएड करे हुए हैं, तो सबको एक बार मौका मिलने वाला है फिर से। जिनका भी जो अभी चल रही 1,70,000 पद में, अगर जिसका चयन नहीं होगा वो फिर से एक बार उसको मौका मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती फेज टू के में। ठीक है, और उसमें लगभग 70,000 पद जारी होंगे और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग एक काम करिएगा, हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की खबर, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।